So, hello and very good morning to all of you. This is me Rahul Bhardwaj and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. Hello guys, all of you are welcome to the class. Class, start ho gaya hai. Very good morning to all. Uh, hello Harsh, welcome to the class. Namaste Shivani. So, let's begin and please share the session so that everybody can join us. Please share it. Uh, I have shared the link as well. तो दिस इज़ आर डेली करंट अफेयर क्लास एंड ओके सो स्टार्ट करते हैं एंड किद भी अगर इन क्यू टॉक अबाउट सो मैनी अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वन इज़ द डेटा रिलेटेड टू एन सी आर बी उसको हम डिस्कस करेंगे कि, कि किस तरह से अंडर ट्रायल्स और uh, इनका जो सिचुएशन है वो कैसे आपकी जो प्रोफाइलिंग है ओके कास्ट प्रोफाइल है या रिलीजन बेसिस है उसके ऊपर कैसे वो uh, थोड़ा सा डिपेंड हो रहा है हाँ फाइन हाँ लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर वी मूव लेट मी ब्रीफ्यू अबाउट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म दैट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म तो अगर आप घर बैठे आई ए एस की तैयारी करना चाहते हैं आप अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर आपको एक्सेस हो जाते हैं फाइन एंड यू विल गेट द लाइव क्लासेज हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस की आपका प्री और मेन्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इन दीज कोर्सेज अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज यू विल गेट एक्सेस टू दीज लाइव क्लासेस अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट पे मल्टीपल कोर्स आपको अवेलेबल है आप अपने फेवरेट एजुकेटर को फॉलो करके कोर्स पूरा कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल हैल सब्जेक्ट एज वेल फ्यूचर में भी जो कोर्स आएंगे वो आपको एक्सेसिबल रहेंगे फाइन सो दिस इज अं ऑफ वन पॉइंट सोल्यूशन करना क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वन ईयर या टू ईयर का जो प्रोग्राम है उसको चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड देन दिस बॉक्स विल अपियर ये इस तरह से बना हुआ दिखेगा यहाँ पे आपको ये कोड पुट करना है एंड योर अमाउंट विल इंस्टेंटली बी रिड्यूस बाय टेन परसेंट फाइन नो कॉस्ट ई एम आई ऑप्शन सा देर एंड वेन यू आर यूजिंग दिस आर बी लाइव आई विल बी ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म टू गाइड यू ऑल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आपको uh, अगर पर्सनल मेंटरशिप चाहिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट फाइन तो आज ओके सो स्टूडेंट्स आर सेलिब्रेटिंग देयर संडे ओके कि सर आज संडे आज तो सोने दो आज भी आपने क्लास ले ली चलिए स्टार्ट करते हैं द थिंक इज दैट वेल यू आर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी इट हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड ओके यू मे टेक इट ऑफ और नॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन यू बट कंसिस्टेंसी का बहुत फ़ायदा होता है और ये आप अपनी लाइफ के अंदर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं नहीं तो दूसरों की लाइफ से भी आप एग्जाम्पल लेके सीख सकते हैं एंड दैट पॉपुलर स्टोरी आई होप यू ऑल नो अबाउट दैट रैबिट एंड द टाटा इज ओके जो वो स्टोरी है वो एक्चुअली ट्रू आपको मिलती है जैसे जैसे आप लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते हैं बार बार वो स्टोरी सामने आ जाती है कि हाँ कंसिस्टेंसी का अपना इंपॉर्टेंस होता है ओके फॉर एग्जाम्पल वन स्टूडेंट इज देयर कंसिस्टेंटली ऑन डेली बेसिस गिविंग थ्री टू फोर आवर्स ओके उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं राधर देन एक बंदा है वो बारह पंद्रह घंटे उसने दो दिन पढ़ाई करी दस दिन पढ़ाई करी फिर एक महीना बंद कर दिया सो दैट इज नॉट द थिंग ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हैप्पी संडे या डेफिनेटली संडे पे आप अपना टाइम रख सकते हैं लटस् से कि टू आवर्स जो है हमें फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है एंड ऑल जीएस पेपर टू है एंड दिस इज अबाउट द एनसीआर बी डेटा आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज़ वेरी रिवीलिंग ओके रिवीलिंग इन इट सेल्फ क्योंकि डेटा जो है वो बहुत कुछ आपको बताता है तभी मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट डेटाज आप याद रखते हैं तो आपके आंसर राइटिंग में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है डेटा में एक लाइन में जो चीज लिखी है उसको आप हंड्रेड वर्ड में भी अगर जस्टिफाई करके लिखोगे उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती कुछ जगह पर तो कुछ जगह पर डेटा आपको याद कर लेना चाहिए तो यहाँ पे हम डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे एज सच रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है दैट इज बेसिकली गिविंग अस अ ट्रेंड ट्रेंड दे रहा है आपका जो डेटा है दैट इज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है ये डेटा क्या कह रहा है कि आपके जो प्रेजेंस के अंदर जो पर्सन है चाहे वो अंडर ट्रायल्स हैं या कन्विक्टेड हैं अंडर ट्रायल मतलब कोई उसके ऊपर आरोप लग रहा है पर्सन पे और वो अभी अंडर ट्रायल चल रहा है सुनवाई वगैरह चल रही है कन्विक्ट मतलब कोर्ट ने उसको गिल्टी करार दे दिया कन्विक्शन दे दिया सजा सुना दी तो दोनों तरह के जो पर्सन हैं वेदर वी टॉक अबाउट द कन्विक्टेड पर्सन वेदर वी टॉक अबाउट द अंडर ट्रायल पर्सन तो ये जो एनसीआरबी का डेटा है क्या कह रहा है ये डेटा कह रहा है कि इनका जो पॉपुलेशन के अंदर कंपोजिशन है ओके, फॉर एग्जाम्पल जो आपके एस है वो इंडियन पॉपुलेशन में अराउंड 16.6 परसेंट है ओके okay? एस uh, जो है वो अराउंड एट परसेंट है तो अगर आप इनकी कन्विक्शन रेट देखते हैं कन्विक्ट देखते हैं या अंडर ट्रायल्स देखते हैं तो इनका जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है ओके रादर देन देयर पॉपुलेशन कंपोजिशन फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स आर देयर मुस्लिम्स आर देयर तो ये तो मार्जिनली कुछ जगह पे ज्यादा है जैसे हम देख रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन जो है अगर 2011 सेंसस इलेवन वो करें तो 14.2 पॉइंट टू परसेंट यहाँ पर बता रहा है पॉपुलेशन सेगमेंट में कन्विक्शन रेट है वो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट है तो ये तो इतना बहुत मार्जिनल है लेकिन अंडर ट्रायल में इनका जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट नाइनटीन परसेंट है यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन है फोर्टीन परसेंट मुस्लिम का अंडर ट्रायल कम्पोजिशन है दैट इज ऑलमोस्ट नाइनटीन परसेंट द सेम थिंग इज देयर एस सी जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट है अंडर ट्रायल जो है वो ट्वेंटी वन परसेंट है एस टी लेकिन जो ओबीसी है वहाँ पर उल्टा है जितना पॉपुलेशन कंपोजिशन है उनका लेटे से ओबीसी में फोर्टी वन परसेंट है तो अंडर ट्रायल जो है और कन्विक्टो इनका कन्विक्शन रेट है वो थर्टीज के अंदर अराउंड थर्टी फाइव समथिंग देयर तो पॉपुलेशन कंपोजिशन से कम है ओके लेकिन एस सी एस टी और जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जितना वो कंट्री उनका पॉपुलेशन कंपोजिशन है इंडियन पॉपुलेशन सेगमेंट में उससे वो ज़्यादा है तो ये जो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है ओके okay, बेसिकली ये जो चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है ये बता रहा है कि किस तरह से जो आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है आप कह सकते हैं कि किस तरह से वो जो पुअर सेक्शन है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके लिए डिसएडवांटेजेस है ओके okay, लेकिन ये एक जनरलाइज करना भी सही नहीं होगा क्योंकि ओबीसी पॉपुलेशन इज देयर उसका नंबर कम है ओके डेफिनेटली जनरल अगर हम अपर कास्ट की बात करें अपर कास्ट का तो काफी कम है लेकिन अगर हम यहाँ पे ओबीसी की बात करेंगे तो उनका भी जो है कन्विक्शन रेट अंडर ट्रायल्स का जो रेट है वो कम है तो इस डेटा से एक चीज जनरलाइज वो ये हो रही है वन थिंग फॉर श्योर कि जिस आदमी के पास में पैसा है जो कंपेरेटिवली प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का जो कंपेरेटिवली प्रिविलेज सेक्शन है उसके पास में रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो वो इस तरह से महंगे वकील हायर कर सकता है गेटिंग दिस अब कोई बंदा है जो पुअर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग कर रहा है उसको जो रोटी कपड़ा मकान है वो नेसेसिटी के अंदर ही वो एक चैलेंज है तो वो कैसे वो वकील हायर करेगा ओके ऑल दीज थिंग्स आर देयर तो यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो डेटा है ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बता रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज नॉट ओनली टार्डी बट ऑल्सो लोडेड अगेंस्ट द पुअर तो जो पुअर सेक्शन है उसके अगेंस्ट में लोडेड है दोज हायर गुड लॉयर्स गेट बेल इजीली एंड हैव ए गुड फेयर शॉट द जस्टिस जो महंगे लॉयर हायर करते हैं और आपको पता है आपने देखा है मूवीज में ऐसा होता है और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ठीक है ना तो यहां पर क्या हो रहा है आपका जिन्होंने अच्छे लॉयर हायर कर रखे हैं उनको बेल मिल जाएगी और इजीली उनका कन्विक्शन रेट भी कम होता है तो ये बताया जा रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वहाँ पे एक आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है दैट इज अगेंस्ट ओके स्क्यू है आपका आप कह सकते हैं कि डिसएडवाटेजियस uh, पोजीशन में है यहाँ पे जो भी आपके ओके दो पुअर सेक्शन है या एस सी और मुस्लिम्स है बट अगेन वन थिंग इज देअर वन थिंग इज देयर विच इज़ कि यहाँ पे ओ सेक्शन जो है वहाँ पर uh, वो डिफरेंट ट्रेंड शो कर रहा है ओके okay, ये भी है uh, तो ये आपका इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपको फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड कराना दैट इज़ अगेन नेसेसरी तो किस तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए स्पीडी डिलीवरी जस्टिस पे फोकस करना चाहिए तो ये जो अंडर ट्रायल का नंबर है ओके अंडर ट्रायल्स का जो ये नंबर दिख रहा है आपको ये रिड्यूस हो जाएगा सिग्निफिकेंटली अगर डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी काफ़ी तेज़ हो रही है फास्ट ट्रैक हो रही है तो डेफ़िनेटली अंडर ट्रायल का ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये दो तरीके हैं जिससे हम ये जो आपका थोड़ा सा स्क्यू कंपोजिशन दिखाई दे रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में ले जा सकते हैं नेक्स्ट न्यूज है दैट इज प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है कि हम कोशिश कर रहे हैं मिडिल स्कूल लेवल पे एग्रीकल्चर को एज ए सब्जेक्ट डालने की और ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा ओके प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट फार्म एजुकेशन हम जो है मिडिल स्कूल लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और नेसेसरी uh, रिफॉर्म्स इसके लिए आपके बनाए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो देखते हैं किस तरह से गवर्नमेंट जो है ऐड करती है और बेसिकली फार्म एजुकेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे लाने की कोशिश की जाएगी इससे क्या होगा देखिए एक पर्पज़ तो ये रहेगा कि लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर जनरेट होगा ओके एग्रीकल्चर में लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होगा फाइन दैट इज द फर्स्ट थिंग और ज्यादा से ज्यादा लोग जो एग्रीकल्चर रिलेटेड डिसिप्लिन है उसको फॉलो करेंगे आफ्टर स्कूल एग्रीकल्चर uh, रिसर्च के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा सो ये एक पर्पस है कि एग्रीकल्चर uh, या फिर आपकी जो फार्म एजुकेशन है उसको मिडिल स्कूल लेवल पे लाने की कोशिश की जा रही है एंड एज फार एज दिस न्यूज इज़ कंसर्न दिस इज स्पेशली इन द कंटेक्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए uh, इंडिया की पॉपुलेशन के लिए इंडिया की इकोनॉमी के लिए उस कंटेक्स में और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन जी इंडिया की जी में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये पचास से ऊपर था नाइनटीन के अंदर अगर आप देख रहे हैं ओके okay, तो ये फर्स्ट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ फॉर दैट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर तो ये 50 परसेंट के ऊपर गया हुआ है आज की तारीख में आप बात कर रहे हो ये 2014 तक का डेटा है लेकिन मैं इसको अपडेट करता हूँ आज की तारीख में आप बात कर रहे हो तो ऑलमोस्ट uh, 17 परसेंट आप मान सकते हो या ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करोगे तो फिफ्टीन पॉइंट समथिंग परसेंट टू परसेंट समथिंग लाइक दिस तो कहने का मतलब है आप 50 परसेंट से ऊपर थे और आज आप 20 परसेंट से भी नीचे आ गए हो लगभग 17 परसेंट पे हो दिस इज द कंट्रीब्यूशन एज फार एज द जी डी पी इज कंसर्न जी डी पी के अंदर लेकिन दो जी डी पी में कंट्रीब्यूशन तो आपका कम हो गया है ओवर दीज 70 ईयरस ओवर दीज ईयर्स बट स्टिल स्टिल अराउंड हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर द इंडियन इकोनॉमी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट गेटिंग दिस लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर अभी भी है ओके तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इज मेकिंग दीज एफर्ट्स एंड ये आपका यूनिवर्सिटी की लॉन्चिंग थी जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है एंड दे आर ट्राइंग टू सिंक द रिसर्च विद द एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर को मिड स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात की जा रही है वाई एग्रीकल्चर इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्किल तो पहला तो ये हो गया कि अभी भी लोग अराउंड फोर्टी एट परसेंट समथिंग रफली हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट है अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी लाइवलीहुड के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर गैटिंग दिस तो एक तो ये इम्पोर्टेंस हो जाती है सेकेंड अगर आप बात करें कि इंडिया की इकनॉमी में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है तो उस पर भी हम आएंगे अराउंड सेवनटीन परसेंट इज देयर एज फार एज दिस टोटल जी डी पी इज कंसर्न ग्रोथ वैल्यू एडिशन की बात करेंगे तो ये फिफ्टीन पॉइंट टू परसेंट पे आ जाएगा और सर्विस सेक्टर है पचास परसेंट से ऊपर है ऑलमोस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट समथिंग एंड ऑलमोस्ट ट्वेंटी नाइन थर्टी परसेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग है ओके okay? ये कंपोजिशन आपका इस तरह से बना हुआ है ये अभी चेंज हुआ है और अगर हम 1950 की बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दिस वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर ये एग्रीकल्चर सेक्टर था और ये अभी आपका लेस देन 20 परसेंट है ये आपका सर्विस सेक्टर है दैट इज ऑलमोस्ट 55 परसेंट समथिंग एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एक तो ये जो चेंज हो रहा है ये भी हो रहा है फाइन एम्प्लॉयमेंट के अंदर इतना सारा पोटेंशियल है अभी भी एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं तो इतने सारे लोगों का वेलफेयर ओके okay? इस पर डिपेंड है उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है स्पेशली एज फार एज द रूरल हाउस होल्ड रूरल पॉपुलेशन इज कंसर्न 70 परसेंट से भी ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर आपका डिपेंड है तो अगर आप रूरल डेवलपमेंट आपका ऑब्जेक्टिव है ओके रूरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है तो आप एग्रीकल्चर को टच किए बिना रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते हो गेटिंग दिस इसी तरह से अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ओके okay? अंतोदय का जो ऑब्जेक्टिव है सर्वोदय का जो ऑब्जेक्टिव है वट एवर इट इज ओके इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप कह सकते हैं तो आप एग्रीकल्चर को टच करने बिना आगे नहीं जा सकते फाइन इंक्लूसिव डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट ओके तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है अब एक और यहां पर एस्पेक्ट सामने आ जाता है दैट इज ओके दैट इज की एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में रोल क्या है तो रोल आप सभी को पता है ठीक है ना ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है यू ऑल आर मैच्योर इनफ कि आपको पता है क्या रोल है तो एक बार देख लेते हैं इंडिया की नेशनल इनकम में शेयर कितना है मतलब आपका जी में शेयर कितना है वो आपने देख लिया अराउंड सेवनटीन परसेंटेज देर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर स्टिल अराउंड 50 परसेंट ऑफ योर पॉपुलेशन एंड ओवर 70 परसेंट प्लस पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज दैट इज मच मोर सिग्निफिकेंट फैक्ट हियर ओके okay, अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग फूड सरप्लस टू द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन तो फूड सिक्योरिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट फूड सिक्योरिटी इज अगेन देयर एंड ये आपका इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी तो दे रहा है फाइन दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो किस तरह से करेंगे आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इंडिया के पास एडवांटेज है कि आप, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है इतना इंडिया की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है इतनी डाइवर्स है कि आप कितनी सारी चीजें क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हो कितने सारे कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हो तो उसको एडवांटेज के रूप में लिया जाए क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम पड़ेगा रादर देन दो कंट्रीज जो बाहर से रॉ मटेरियल एक्सेस कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल मिल रहा है और इस रॉ मटेरियल का यूज करके डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुष्ट दिया जा सकता है और यही चीज इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया को हेल्प करेगी टू प्रमोट द एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इन द एग्रीकल्चर अलाइट सेक्टर वो डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्टली आप बात करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पे आप ये जो इनपुट दे रहे हैं उसको भी यूज कर सकते हैं और रॉ मटेरियल के अंदर काफी सारी चीजें आ जाएंगी यू हैव दैट कॉटन ऑल्सो ओके कॉटन इज देर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जूट टेक्सटाइल की बात हो रही है शुगर की बात हो रही है एडिबल uh, ऑयल्स की बात हो रही है फाइन ऑल दीज थिंग्स आर दे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर ये होता है तो आने वाले पंद्रह से बीस सालों में हम क्या देखेंगे अगर मिडिल स्कूल लेवल पे आपने फार्म एजुकेशन को डाला है तो आने वाले पंद्रह से बीस सालों में हम एक ओवरहॉलिंग देखेंगे लोगों का नज़रिया बदलेगा एग्रीकल्चर के लिए दैट विल बी द फर्स्ट थिंग आ, लोग यहाँ पे नए नए इनोवेशन नए नए स्टार्टअप के साथ सामने आएंगे क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट डेवलप होगा ओके यही होता है ना स्कूल एजुकेशन में आप कुछ पढ़ रहे हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिर आप उस एरिया के अंदर आगे जाएंगे ओके तो वहां पर रिसर्च का स्कोप बढ़ जाता है और डेफिनेटली स्कूल एजुकेशन में तो आगे भी इसको एक प्रॉपर वे के अंदर स्ट्रीमलाइन किया जाएगा दैट इज अ फॉलो अप न्यूज जम्मू एंड कश्मीर में हमने डिस्कस किया था किस तरह से एलजी की पावर्स को बढ़ाया जा रहा है ओके सो द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न के चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एंड दिस इज वेरी गुड न्यूज तो एक आपका अगेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ऑन द जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल लैंड राइट कमिंग ओके डोमिसाइल्स के जो लैंड राइट right है उनके ऊपर एक uh, आपका जो इनका जो लैंड राइट right है इस पर ऑर्डर आपका आने वाला है सो दैट वुड भी इम्पोर्टेंट डोमिसाइल स्टेटस आपको पता होना चाहिए इससे पहले आपका जब 370 आर्टिकल था या 35 ए आर्टिकल जो था ये जो आर्टिकल्स हैं इससे पहले परमानेंट रेजिडेंट करके एक स्टेटस होता था ओके परमानेंट रेजिडेंट को इन्होंने डोमिसाइल से आपका रिप्लेस कर दिया ओके ये जो एक्ट था यहां पे जो रिओर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके बाद में तो डोमिसाइल स्टेटस में क्या होगा अभी आ, पहले क्या होता था जम्मू एंड कश्मीर में मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है या इवन कोई आई ऑफिसर है उसकी फैमिली तीस साल तक वहाँ पर सर्व कर रही है लेकिन उसको वहाँ पर कोई राइट right नहीं है एज अ रेजिडेंट ओके ना वो वहाँ पे कुछ इस तरह से लैंड खरीद सकते हैं ना वहाँ पे सेटल हो सकते हैं मतलब बंदे ने इतना वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है एंड यू आर नॉट गिविंग देम द बेसिक राइट्स तो यहाँ पे ये स्टेटस चेंज किया गया और आपका डिफाइन किया गया डोमिसाइल रेजिडेंट को ओके डोमिसाइल रेजिडेंट क्या है ये देख लेना इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी Uh, anyone who has resided in the period of 15 years in the Jammu and Kashmir or has resided for seven years and appeared in 10 and 12 examination in an educational institute, उसको आप और रजिस्टर्ड एज ए माइग्रेंट उनको आप डोमिसाइल स्टेटस दे रहे हो डोमिसाइल स्टेटस का मतलब है कि ये बंदा यहाँ से रिलेटेड uh, है ओके जम्मू एंड कश्मीर से और जितने भी राइट्स होंगे फॉर example अभी आपका जो है राइट right दिया गया था ओके okay, जो ग्रुप सी एन डी सर्विसेज था वहां पे उनको राइट दिए गए तो वहां पे जो लैंड रिलेटेड इशू है वहां पे उनके राइट right होंगे जॉब्स में उनको इस तरह से पार्टिसिपेशन मिलेगा तो उनके जो भी राइट्स हैं वो उनको यहां पे दिए जाएंगे फाइन और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है आएगा यहाँ पे क्या किया जाएगा एक्सटेंड किया जाएगा प्रोटेक्शन टू लैंड राइट ऑफ द डोमिसाइल्स ओके इन द जम्मू एंड कश्मीर तो लैंड uh, राइट जो है वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं टू द डेमिसाइल्स और ये बेसिकली अभी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ये बात होगी फाइन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये बात होगी करंटली ऑन प्रोटेक्शन टू बी गिवन ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड गवर्नमेंट कह रही है इंडस्ट्री के लिए हमें लैंड देना भी जरूरी है ओके okay, uh, क्योंकि अगर इंडस्ट्री को लैंड नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करेंगे हमने जो कमिटमेंट किए हैं उनको कैसे फुलफिल करेंगे इस कंटेस्ट में देखेंगे तो uh, इंडस्ट्री के लिए लैंड देने की जरूरत है गवर्नमेंट ने काफी सारी लैंड यहाँ पे आइडेंटिफाई की हुई है अराउंड 600 हंड्रेड एकर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज लैंड बैंक आपका बना हुआ है तो जो भी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे आएंगी बट अगेन द फॉरमोस्ट चैलेंज एज यूजल विल बी द सिक्योरिटी ओके कोई इंडस्ट्री तब वहाँ पे जाएगी जब वहाँ पे एक कंडक्टिव एनवायरमेंट होगा ओके okay? वहाँ पे एक सिक्योरिटी का सेंस रहेगा और वहां पे इंडस्ट्रीज थ्राइव कर सकती है दिस इज द बेसिक कंडीशन बेसिक असेंशियल कंडीशन तो अगर वहां पे इंडस्ट्री थ्राइव करेंगी कि तो वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है उनको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ओके okay? उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा ओवरऑल uh, जो वे ऑफ लाइफ है धीरे धीरे चेंज होगा और डेवलपमेंट भी होगा स्टेट का लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर में पहले होता था इसको हटा दिया गया है जब से आपका स्पेशल स्टेटस हटाया है अब गवर्नमेंट नया कोई लॉ नहीं ला रही है यहां पे ध्यान रखना है ऑर्डिनेंस लेके आएगी लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन तो इंटरनेशनल रिलेशन पे हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी आ, याद होगा आपको दैट इज कौकाज कवकाज 2020 मैंने आपको डिस्कस किया था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज भी मैंने आपको बताए थे सो रिगार्डिंग दिस कौकाज 2020 जो है ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है चाइना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है शिया मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ऑप्स आउट साइटिंग द पेंडेमिक इंडिया ने यहाँ से आउट कर लिया है इनिशियली जो ये न्यूज़ थी वो ये था कि इंडिया यहाँ पे अपने जो है प्रॉपर भेज रहा है सेंड कर रहा है लेकिन एकदम से विड्रॉ किया गया है ओके okay, पहले यही कयास लगाए जा रहे थे ये कहा भी गया था अराउंड फोर्टी समथिंग पर्सनल्स वर देर उनको सेलेक्ट किया गया है. इतने इतने लोग इसी आपके उससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया ने यहाँ से ऑप्ट आउट कर लिया है इसका नाम ध्यान रख लेना देट इज़ कवकाज ट्वेंटी ट्वेंटी ओके कवकाज ट्वेंटी ट्वेंटी जो है अराउंड 18 समथिंग नेशन से पार्टिसिपेट करने वाले थे जिसमें से आपके एट कंट्रीज थे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एट कंट्रीज थे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है एक मैंने आपको नी भी बताया था दैट इज़ दिस तुक्का तुक्का करके याद कर लेना यू हैव दैट ओके तजिकिस्तान ये तुर्कमेनिस्तान नहीं है ये तजिकिस्तान है उज्बेकिस्तान है यू हैव दैट के ए फॉ कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान ओके okay? चार ये कंट्री हैं इसके अलावा आपको इंडिया और पाकिस्तान तो पता ही है और रशिया चाइना आप लिख ही दोगे ओके okay, इनके अंदर कुछ नहीं है और ये नाम याद रख रख लेना ऐसी ओ कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया ने मना कर दिया दिस इज़ द न्यूज़ नेक्स्ट है आपका दैट इज ओके यूएई फॉर्मली एंड्स द इजराइल बॉयकॉट तो ये न्यूज हमने डिस्कस की एक इंटरेस्टिंग सा कमेंट आपका आया हुआ है एंड दैट इज दैट जम्मू एंड कश्मीर एंड कंट्रोल रिलेटेड टू अंबानी ओके देर हैज बीन अ मेंशन ऑफ द अंबानी एंड दिस इज वेरी यू नीड टू लुक एट वन थिंग किस तरीके से जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है वो uh, वहाँ पे एक तरह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है need टू आइडेंटिफाई दिस थिंग एज वेल क्या इंडिया को यहाँ पे कोई uh, मोनोपोली रिलेटेड कमीशन की जरूरत है क्योंकि आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर से पूरा कंपटीशन वाइप आउट हो रहा है शुरू में तो अच्छा था और अभी भी डेफिनेटली uh, फायदा हुआ है जियो के आने से ऐसा नहीं है ओके okay? आपके जो डेटा की रेट है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है पेनिट्रेशन इंटरनेट का इतना ज़्यादा बढ़ गया बट अगेन वी शुड भी अवेयर अबाउट दट कम्पिटिशन थिंग अगर कंपटीशन नहीं रहेगा मोनोपोली हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल है ओके राइट नाउ द टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप बात करें सो जियो इज देयर दैट इज मोनोपोलाइजिंग दैट सेक्टर इफ यू टॉक अबाउट द एयरपोर्ट ओके एयरपोर्ट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे अडानी इज देयर अडानी इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ द मेजर सो कॉल्ड एयरपोर्ट ओके तो ये एक देखने वाला ट्रेंड है देखने वाली चीज है कि, कि किस तरह से कंपिटिशन जो है बना रहे दैट इज अगेन नेसेसरी इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्टर एज वेल तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई मोनोपोली कमीशन लाइक दैट वो बनाने की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि अगर कोई एक कंपनी मोनोपोलाइज कर लेगी किसी सेक्टर को तो वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है वहां पर हेल्थी कॉम्पिटिशन रहना चाहिए गेटिंग दिस लेट्स टॉक अबाउट दिस यू एंड इसराइल हाँ तो ये जब डील हुई थी मैंने पूरा इशू आपको क्लियर कर दिया था डिटेल के अंदर मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया था कि इनमें प्रॉब्लम क्या है ओके दिस इज द मैप ऑफ द मिडिल ईस्ट जो लोकेशन है इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना यू हैव दैट मेडिटेनियन सी ही ओके ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है दैट इज द इजराइल ओके और ये बीच में जो इस तरह से दिख रहा है ये फेलस्तीन है जिसे वेस्ट बैंक कह रहे हैं ये आपका गाजा स्ट्रिप है और यहाँ पे ये जो हाइट्स हैं ये गोल्डन हाइट्स इनको कहा जाता है सीरिया से ये लग रहा है इसराइल ने इनको ऑक्यूपाई किया हुआ है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ओके okay? डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है वाटर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है गोलन हाइट्स का एरिया यहां से आपका लेबनान से लग रहा है इधर सीरिया है इधर आपका जॉर्डन है एंड ये हियर यू हैव दैट इजिप्ट ओके तो ये मैप स्टडी करना गोलन हाइट डायरेक्ट पूछा हुआ है प्रिलम्स एग्जामिनेशन में कहाँ पे सिचुएटेड है तो इस मैप को थोड़ा सा मिडिल ईस्ट के मैप को अच्छे से स्टडी कर लेना आपके पास एटलस होगी एटलस नहीं है तो ले आना एटलस सब बच्चों के पास होनी चाहिए ओके ऑरियट लॉन्गमान या कोई भी एक एटलस आप ले लेंगे या आप मैप पे वैसे डाल के स्टडी कर लेना अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? मैप पे ये स्टडी कर लेना इस मैप को द थिंग इज़ दैट आपको मैंने बताया था कि किस तरह से 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन होता है ओके वर्ल्ड वॉर वन के बाद में बाल फोर डिक्लेरेशन में ये कहा जाता है हम नया एक कंट्री बनाएंगे दैट वुड बी द इजराइल 1947 में आपका नया कंट्री सामने आ जाता है 48 के अंदर इसराइल सामने आता है इसराइल यहाँ पे बनता है पहले इस एरिया के अंदर जो लोग रहते थे उनको पैलेस ओके ये जो पूरी लैंड है इसको पैलेस्तीन कहते थे अभी यहाँ पे इसराइल एग्जिस्टेंस में आता है तो इसके ऊपर अरब कंट्रीज अटैक करते हैं दो बार वॉर होती है उसमें 1967 वाली जो वॉर होती है वो कंक्लूडिंग होती है काफ़ी और इसराइल यहाँ पे एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट करता है फाइन सो so, अभी भी यही चल रहा है ओके okay, फैलस्तीन और इसराइल का ये चल रहा है तो अरब कंट्रीज़ इसराइल के अगेंस्ट हैं ओके okay? क्योंकि फेलस्तीन में ज़्यादातर अरब मुस्लिम्स हैं तो वो उनका सपोर्ट वहाँ पे कर रहे हैं तो उस वजह से इसराइल के साथ में ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज़ हैं किसी के भी रिलेशन नहीं है केवल हम बात करें तो इजिप्ट और जॉर्डन ही ऐसे कंट्रीज़ थे जिनके नॉर्मल रिलेशन थे इसराइल के साथ में नाउ यू हैज़ बिकम द थर्ड कंट्री जिसने इस तरह से ये आपका बाइकॉट को एंड किया है ओके okay? अभी फॉर्मल डिक्लेरेशन किया है इसलिए वापस से न्यूज में है और इससे क्या होगा पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी ओके okay? पूरा बैलेंस चेंज हो जाएगा इसके अंदर ईरान का एंगल भी देखा जा रहा है ईरान ने टर्की ने काफी व्हीमेंटली अपोज किया था यू का ये जो स्टेप था इसको तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसराइल जो है डेफिनेटली इसराइल जो है हाल्ट कर देगा अपने प्लान को टू एनेक्स द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक लैंड सॉट बाय द पैलेस्तीनियंस की इसराइल ने जो लैंड यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखी है वेस्ट लैंड में उसके ऊपर वो क्लेम यहाँ पे छोड़ देगा ये डील का पार्ट है गेटिंग दिस ये इस डील का पार्ट है और बदले में क्या होगा कि आपका नॉर्मल रिलेशन स्टार्ट हो गया डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी ज़्यादा कुछ हम नहीं कह सकते लेकिन अगर यू ने यहाँ पे नॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं सो वेरी लाइकली कि दूसरे कंट्रीज भी फॉलो करेंगे सूनर और लेटर एंड स्पेशली सऊदी अरेबिया का यहाँ पर यस है सऊदी अरेबिया हैज सेड यस दैट्स वाई यू ने आपका ये आपका इस तरह का स्टेप लिया है क्योंकि अगर डायरेक्ट सऊदी अरेबिया से होता तो एक बहुत बड़ा ओके uh, okay, अप्रॉर हो जाता सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू अलाउ द फॉर्म्स इजरायली फार्म इजराइल्स को अलाउ किया जाएगा कि वो दुबई में यू में जा सकते हैं वहां पर बिजनेस कर सकते हैं एंड ऑल बिजनेस एनवायरमेंट आपका इंप्रूव होगा ओके okay, ये मैं बता चुका हूँ थर्ड अरब नेशन है इजिप्ट और जॉर्डन के बाद जो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन कर रहा है आ, डिफेंस रिलेशन भी स्ट्रेंथन होंगे क्योंकि अभी क्या है ओके okay, जैसे आपके जेट हैं एफ थर्टी फाइव इज देयर केवल इसराइल के पास है तो अमेरिका का यहाँ पे कॉपरेशन इंश्योर कर सकते हैं अरब नेशन क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिव टू द इसराइल स्कॉज ओके तो यहाँ पे अगर वो इस तरह से कॉपरेशन करेंगे तो उनका डिफेंस कॉपरेशन भी स्ट्रेंथन होगा उनको लेटेस्ट जो आपके आर्मामेंट्स हैं फाइटर जेट्स हैं यूएस से मिल सकते हैं इसराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी से माइट बी हेल्प ओके और डेफिनेटली यू आपका जो यूएसए है उसको एक आ, ये मिल जाएगा कि हमारे आ, ये सक्सेस है फॉरेन पॉलिसी में बट स्टिल नथिंग कैन बी सेड अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है बट uh, ये एक एनकरेजिंग uh, काफी पॉजिटिव आपका डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी पे बात करते हैं सो फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न जीएसटी पे हमने बात की थी जीएसटी काउंसिल पे ओके जीएसटी काउंसिल जो आपकी कंस्टिट्यूशनल uh, बॉडी है चेयरमैन जो है फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं टोटल नंबर थर्टी थ्री है और 33 में से दो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हैं और 31 आपके स्टेट्स के पास में हैं ये कुछ मेजर चीजें हैं जीएसटी काउंसिल क्या करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है फॉर एग्जाम्पल रिविजन ऑफ द रेट कौन सा सामान कौन सी उसमें लिस्ट में आ रहा है एक्सेट्रा उसको ये डिसाइड करती है तो आपका अभी फोर्टी फर्स्ट इस तरह से मीटिंग हुआ है ओके okay, और हमने डिस्कस भी किया था बोरोविंग पे ही बात होगी तो वही चीज हुई है उसका एक्सप्लेनेशन अभी आया है ओके okay? जो आपकी मीटिंग हुई थी उसी को एक्सप्लेन करके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो दो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन वन ऑप्शन टू तो इसको इस तरह से समझिए जीएसटी काउंसिल जो है वो डिसाइड ये भी कर रही है जब आपका जी आया था टू में तो स्टेट को यह कमिट किया गया कि कोई भी आपका रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल हो रहा है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा अगले पांच सालों तक आपको कंपनसेशन दिया जाएगा क्या दिया जाएगा कंपनसेशन तो अब अब क्या हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कंपनसेशन देने की बात तो यहां पे की गई फर्स्ट थिंग इज हियर गवर्नमेंट uh, कह रही है कि आपका जो uh, जितना रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है उसको हम दो तरीके से देखेंगे यू हैव टू ऑप्शन दो तरीके से हम रेवेन्यू uh, शॉर्टफॉल को देखेंगे एक तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है दैट इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ओके क्योंकि जो कंपनसेशन की बात हुई थी ये हुआ था कि आपको कंपनसेट हम कर देंगे कोई रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की वजह से तो ऑप्शन वन में गवर्नमेंट क्या कह रही है केवल जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से जितना आपको रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है उसकी आप भरपाई कर लो ओके okay, एक तो ऑप्शन ये है अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमें जीएसटी इंप्लीमेंटेशन नहीं हमें पेंडेमिक की वजह से कोरोना वायरस की वजह से जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है कोरोना वायरस की वजह से जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है उसको भी काउंट करना है तो सेकंड ऑप्शन में क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन प्लस कोविड कोविड नाइन्टीन की वजह से आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा उसको भी हमें काउंट करना है तो दो ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए गवर्नमेंट कह रही है फर्स्ट केस में आपका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है दैट इज समथिंग अराउंड नाइन्टी सेवन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ और अगर हम सेकंड ऑप्शन में बात करें तो ये आपका टू पॉइंट थ्री फाइव लैख करोड़ रुपीज आ जाता है इतना रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा अगर आप ऑप्शन वन के अंदर जा रहे हो तो ये जो नाइन्टी सेवन थाउजेंड करोड़ रुपए है इसको हम बोरोविंग नहीं मानेंगे इसको हम खुद आपको देंगे इसमें कोई बोरोविंग का इशू नहीं है ओके अगर आप ऑप्शन वन के लिए जा रहे हो कि भाई जीएसटी की वजह से इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो रेवेन्यू में कमी आ रही है वो आप केवल हमें कंपनसेशन दे दो हम इसकी बात नहीं करते कि कोविड नाइन्टीन की वजह से जो आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है उसका भी हमें कंपनसेशन दो फाइन तो डेफिनेटली स्टेट इसके लिए भी जाएंगे लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप कहोगे कि ये वाला रेवेन्यू शॉर्टफॉल इंक्लूड करना है कोविड वाला तो फिर आपको मार्केट से बोरो करना पड़ेगा मार्केट से बोरो करना पड़ेगा और वो क्या होगा स्टेट डेट के रूप में आएगा स्टेट डेट के रूप में आएगा इंपैक्ट ऑफ द पेंडेमिक अपोजिंग स्टेट टू बोरो द एंटायर फाइव लैक करोड़ एंड बियरिंग द इंटरेस्ट बर्डन थ्रू प्रिंसिपल विल बी रिपेड फ्रॉम द सेस प्रोसिड ये यहां पर कहा जा रहा है कि इसको हम चुकाएंगे जो आगे सेस लग रही है उससे हम इसको चुका देंगे फाइन और ये जो 97,000 सेवन थाउजेंड है इसको स्टेट इस के कर्जे के रूप में नहीं देखा जाएगा इसके अलावा जो बच रहा है अराउंड वन पॉइंट थ्री एट लाख करोड़ रुपीज जो बच रहे हैं उसको हम एज ए डेट काउंट करेंगे ओके उसको हम एज ए डेट काउंट करेंगे और आने वाले टाइम में सेस लगा के इसको इस तरह से कर लिया जाएगा तो इससे देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने हैं 97,000 करोड़ है ये तो गवर्नमेंट कह रही है सीधा सीधा हम आपको दे देंगे लेकिन अगर आप ये कोविड वाला भी ले रहे हो तो जो 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ आप ले रहे हो उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने जो उधार लिया है उसको हम सेस लगा के चुका देंगे लेकिन इंटरेस्ट आप ही को पे करना पड़ेगा तो स्टेट को यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा सो so ये आपका क्लैरिफिकेशन दिया है इसकी डिटेलिंग जो है अभी सामने आई है ओके काउंसिल मीटिंग की टू डेज आफ्टर दिस डिटेलिंग हैज बिन मैंशनड तो ये मैंने आपको चीज पूरी बता दी है कंपनसेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी तो अभी थोड़ा सेटल होने की संभावना हो सकती है नेक्स्ट है दैट इज द वर्ल्ड बैंक पॉजिट द पब्लिकेशन ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ओके जो आपकी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सो एज फार एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज कंसर्न वी हैव ऑप्शन द वर्ल्ड बैंक हैज़ सेड कि हमने आपकी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हम निकालते हैं उसके अंदर क्या है काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हमारे को यहाँ पे मिली है काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे मिली हैं रिगार्डिंग द चेंजेस टू द डेटा इन द प्रीवियस रिपोर्ट ओके प्रीवियस रिपोर्ट्स के जो डेटा हैं वहाँ पर हमारे को कुछ इरेगुलरिटीज़ मिली हैं एंड दिज इरेगुलरिटीज़ इन दिस डूइंग बिजनेस रिपोर्ट टू एंड ट्वेंटी रिपोर्ट्स पब्लिश इन द अक्टूबर टू थाउजेंड सेवनटीन एंड नाइनटीन ओके तो ये दो रिपोर्ट हैं जिनको डब्ल्यू जो आपका वर्ल्ड बैंक है ये क्लेम कर रहा है कि कुछ इरेगुलरिटीज हैं इसकी वजह से हम इसका पब्लिकेशन रोक रहे हैं एंड सिंस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इज नॉन फॉर इट्स इंटीग्रिटी इम्पार्शलिटी ऑफ द डेटा दिस इज पैरामाउंट तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या इश्यू है उसी बेसिस पर हम इसको रिवाइज करेंगे ओके और रिव्यू करेंगे डेटा जो है लास्ट फाइव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स का इंडिया के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्या क्या कंपोनेंट है ये भी बता दीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कौन रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है कौन से पैरामीटर अगर आप बता सकते हैं जिसको हमने काफी टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस आर द कॉम्पोनेट्स ओके फॉर एग्जाम्पल आपका जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर्टी का ओके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस हो गया गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी हो गया इस तरह से आपके इलेवन पैरामीटर्स हैं तो अगर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में दैट वुड बी ग्रेट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है और काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है ओके सिक्सटी थर्ड पोजिशन पर हम आ जाते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी की रिपोर्ट में अमंग द नेशंस ऑफ वन नाइन्टी नेशन ओके लास्ट के पाँच सालों में लगभग सेवनटी नाइन पोजिशन का हमने इंप्रूवमेंट किया है सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इस कंटेक्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आ, आपका कितना ईजी है एक बिजनेस को स्टार्ट करना एक बिजनेस को रन करना एट द सेम टाइम एक बिजनेस को स्टार्ट करने पे अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो वहाँ से बाहर आना ओके okay? तो इंसॉलवेंसी बैंक्रप्सी कोड ने भी आ, इंडिया की रैंकिंग को इम्प्रूव किया है फाइन देट इज़ वन ऑफ द दोज कॉम्पोनेंट एज़ फार एज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ कंसर्न लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड टेक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है अबाउट दैट जंपिंग डीएनए ओके जंपिंग डीएनए कह लीजिए uh, या फिर आप इसको कह सकते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ओके जंपिंग जीन्स या डी एन ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इनको कहा जाता है और इनको जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है जम्पिंग जीन्स आर द डीएनए सिक्वेंसिस दैट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर इन द जीनोम ओके जीनोम में आपका एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ये डीएनए सीक्वेंस मूव कर रहा है एंड रफली हाफ ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ दिस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या है ये जो जंपिंग जीन है इनको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आपका कहा जा रहा है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स मतलब ये ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो मूव करता है वन लोकेशन टू जीनोम अनादर लोकेशन फाइन इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है इस डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस <coughs> इसलिए हो जाता है कि ये जो ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट हैं जो मूव कर रहे हैं आपके जीनों में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये हेल्प करते हैं रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विच आर प्रोटीन दैट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आर ओके ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस जिसमें आपका डीएनए जो है वन ऑफ द स्टेप जिसमें आपका डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है डीएनए से जो आपका एम आर बन रहा है या जो आर बन रहा है उस, उस प्रोसेस की एक कड़ी है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन नाम दे रहे हैं तो ये जो आपके uh, ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है या जो जंपिंग जीन है ये क्या कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं ओके रेगुलेट कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन को और इसका रोल आपका जो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन में देखा गया है बाई टीमिंग अप टू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रोटीन नॉन एज दिस KZFPI जेड एफ पी ये एक पर्टिकुलर स्पेशल काइंड प्रोटीन है इसके ऊपर स्टडी की गई ओके ये जो के जेड एफ पी प्रोटीन्स हैं इन पे स्टडी की गई और ये देखा गया कि किस तरह से ये जो प्रोटीन है रेगुलेट करते हैं ओके दैट दिस प्रोटीन्स रेगुलेट टेम्ड द रेगुलेटरी एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जंपिंग जीन्स Uh, in the fetus life especially as far as the development of various organs especially the brain brain k development okay that these proteins kept controlling transposable element activity at any rate in the neurons and brain organoids okay ये जो प्रोटीन है जिनकी हमने बात की जिनको हमने नाम दिया के जेड एफ पी ये क्या कर रहे हैं ये आपका कंट्रोल कर रहे हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट मीन्स जंपिंग जीन को जंपिंग जीन को जो आपका ओवरऑल जो न्यूरॉन्स हैं या जो ब्रेन है उसके डेवलपमेंट को इंपैक्ट कर रहा है फाइन सो दिस इज दिस मच यू शुड नो जंपिंग जीन क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूँ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इनको कहा जाता है जंपिंग जीन कहा जाता है ये डी एन ए सिक्वेंस है दैट कैन चेंज इट्स पोजिशन विद इन द जीनोम समटाइम्स क्रिएटिंग और रिवर्सिंग द म्यूटेशन अल्टरिंग द सेल्स जेनेटिक आइडेंटिटी एंड जीनोम साइज ओके ऑफन डुप्लीकेशन के अंदर भी आपका हो जाता है इसके लिए नोबल प्राइज दिया गया था इनकी डिस्कवरी के लिए नाइनटीन एटी थ्री में ओके दिस इज ऑल अबाउट दैट जंपिंग जीन मच ऑफ द मास ऑफ द डीएनए बनाते हैं आपके ओके okay? क्योंकि डुप्लीकेशन uh, कर रहे हैं uh, दो जगह पे आपका प्रेजेंट है एंड ऑल एनवायरमेंट की बात करते हैं दैट इज अगेन द थिंग सो प्रभात इज देयर पावर सप्लाई रजिस्ट्रेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ रेल एंड वट इज दिस ओके 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 यू आर डिस्कसिंग दैट इज अबाउट यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया को स्लैम किया है फॉर द कोल रिलेटेड सब्सिडीज कोल पे सब्सिडीज दी जा रही है क्योंकि कोल को जो जनरली है एक तरह का पॉल्यूटिंग वो माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल इज देयर ओके सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है तो वो कोल है और इंडियन गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी ये डिस्कस हुआ था गवर्नमेंट ने कहा था हम कोल ऑप्शन uh, को प्रमोट कर रहे हैं वी वॉन्ट टू बी द आत्मनिर्भर ओके एज फार एज कोल प्रोडक्शन इज कंसर्न तो इंडिया ने डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को एकदम से इंक्रीज करने की बात की डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारा सब्सिडाइज uh, एटसेट्रा uh, ये जो चीज़ें हैं इसको क्रिटिसाइज किया गया है एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं ओके okay? वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा भी किया है एज़ फार एज़ क्लीन एनर्जी इज़ कंसर्न ओके uh, they are to to growth and prosperity yet here in india subsidies for fossil fuels are still some seven times more than the subsidies for the clean fuel ye cheez wo mention kar rahe hain ki yaar aap subsidy fossil fuel coal jaisi jagah pe aapne subsidy zyada de rakhi hai usko bahut kam kar do comparative to clean energy क्लीन uh, clean energy को जब आप subsidize करोगे तो definitely उसका use बढ़ेगा और वो climate change like problem है pollution का जो problem है उससे deal करने में help करेगा ग्लोबल वार्मिंग एस आर एस पॉल्यूशन इज कंसर्न इंडिया की जो सिटीज़ हैं टू थर्ड अगर टॉप थर्टी सिटीज़ की बात करें तो ट्वेंटी वन सिटीज़ इंडिया की हैं टॉप थर्टी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में ट्वेंटी वन सिटीज़ इंडिया की हैं टॉप टेन में अगर आप बात करेंगे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की तो टॉप टेन के अंदर फाइव सिटीज़ हैं वो दिल्ली एन सी आर रीजन आ जाता है आपका फाइन तो इस कंटेक्स में कहा गया और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आपका आप इंडिया जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है एज फार एज दिस सोलर एनर्जी इनिशिएटिव इज कंसर्न इंडिया का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव है ये अच्छा है इंडिया एक वर्ल्ड सोलर बैंक लेके आना चाह रहा है ओके प्लान फॉर वर्ल्ड सोलर बैंक दैट वुड मोबिलाईज सेवेंटी ट्रिलियन दैट इज अमाउंट ओके एंड इट लुक्स वेरी ओवर एम्बिशियस राइट नाउ टू जनरेट दैट मच फंडिंग काज ऑफ द सोलर एनर्जी एज फार एज इंडिया कमिटमेंट्स आर कंसर्न बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके तो इंडिया क्या कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे को 175 सेवेंटी लेना है और उसमें से 100 गीगा सोलर एनर्जी होगी ये हमें ट्वेंटी ट्वेंटी तक लेखना है लेकिन अगर एट प्रजेंट की बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें तो इंडिया की जो इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 36 सिक्स गीगा वॉट थर्टी सिक्स गीगा वॉट ही है तो इट लुक्स वेरी लेस लाइकली कि इंडिया इसको अचीव कर पाएगा लेकिन इंडिया ने एक और अपने लिए मार्क बेंच मार्क सेट किया है इंडिया कह रहा है 2030 तक हम जो है साढ़े चार सौ गीगा वॉट अचीव करेंगे 175 गीगा था, एनर्जी कर। 2030 तक हम 450 फिफ्टी गीगा वॉट अचीव करना चाह रहे हैं दैट इज अगेन ह्यूज सो इट बेसिकली शोज इंडिया कमिटमेंट टुअर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ इंडिया मूव करना चाह रहा है आत्मनिर्भर भारत एंड कोल ऑक्शन डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं फोर्टी वन कॉल ब्लॉक्स ऑक्शन किए जा चुके हैं इसमें काफ़ी सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं पहले कोल ऑक्शन में कुछ कंडीशंस होती थी ओके प्री कंडीशन होती थी तो पार्टिसिपेशन वहाँ पे कम होता था अब इन प्री कंडीशन को हटा के और कॉल ऑप्शन इस तरह से किया जा रहा है क्रिटिसिजम भी हो रहा है कुछ एरियाज़ हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी आपको ये दिया जा रहा है या दामू इज आस्किंग समथिंग प्लीज रिप्लाई प्लीज शेयर दैट टीशा इन द कमेंट सेक्शन यू कैन रिन्यूएबल एनर्जी है मोर पोटेंशियल देन कोल्ड क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी क्या है आपका क्लीन एनर्जी है न्यू बिजनेस मॉडल यहाँ पे आएंगे न्यू बिजनेस मॉडल आएंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे बढ़ रही हैं सो दिस इज़ फाइन ओके दिस इज ऑल फॉर टूडे विल मीट इन द पीआईबी एनालिसिस फाइन और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज ओके एंड रिगार्डिंग दैट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिन अकेडमी अगर आप घर बैठे आइए इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट all the best